हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी आरबी ब्लॉग। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, जहां आज मैं आपको दही एक रेसिपी बताने जा रही हूं। उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा लिया है। मैं अब एक को कट करके एक को फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक तीनों को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा, तेज़पत्ता। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और प्याज डाल लूँगी। अब मैं तीनों को अच्छे तरीके से भूनूँगी। अब प्याज को मीडियम लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक काफ़ी अच्छे से भूनें। उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद जब आपके प्याज इस कलर पे आ जाए तो आप इसमें नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और इसमें आप कसूरी मेथी डाल दें। अब आप इसमें एक कटोरी दही मिला दें। दही मिलाने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे अच्छे तरीके से हाथों से मिलाते रहना है। अगर आपने इस तरीके से नहीं मिलाया तो आपकी दही फट भी सकती है। 10 मिनट तक काफ़ी अच्छे तरीके से भूनने के बाद आप इसमें पानी ऐड कर लें। अब आप इसमें फ्राइड किए हुए अंडे डाल दें। आप देख सकते हैं कि दही एक कड़ी बन के तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।